अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो है फिजिक्स का, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें वो क्या कहता है कि आर ट्रेन मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। एक जो ट्रेन है वो 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, फॉर 10 सेकेंड। इसमें हमारे पास उसने वी क्या दिया हुआ है, वी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो है ना ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको हम ना कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 36 है ना हमारे पास, 36 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, ठीक है, और उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे 3600 से, ठीक है, 3600 से। जब तो हमारे पास क्या आएगा, क्या 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और उसमें हमें टाइम क्या दिया गया है, टाइम हमारे पास उसने दिया है 10 सेकंड, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड हमने इसके अंदर क्या करना है कि डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी एस फाइंड करना है हमने इसके अंदर, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या है कि एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। अब इसके लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे, वी की वैल्यू हमारे पास वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है ना, और टाइम हमारे पास कितना है, टी टाइम को प्रेजेंट करता है 10 सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, 100 मीटर, ये इसका आंसर होगा। इसके साथ हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है ना, उसकी वैल्यू स्टेटमेंट है आर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलेशन, व्हाट विल बी इट स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। अब आर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वी आई हमारे पास क्या है, 0, वी आई हमारे पास है 0, ठीक है। उसके बाद टाइम से हमें दिया हुआ है 100 सेकेंड, ऐसे ही है 100 सेकेंड, बुक खोले ना पास आप, ठीक है। और ऐसे हमारे पास कितने ट्रेवल जो किसने किया है ना, 1 किलोमीटर, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर तो हमारे पास आता है 1000 मीटर, ठीक होगा। अब इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना है, तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है जी वी एफ फाइंड करना है, क्योंकि वी आई उसने हमें दे दिया हुआ है, वी एफ हमने ना फाइंड करना है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू वी ए मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको हमने ना कन्वर्ट कर देना है, वी ए वी ए वी ए वी जो है वो होता है वी आई, ठीक है, प्लस वी एफ की इक्वल, ठीक है, और बिग ब्रैकेट्स ओके साथ 2 आ जाता है, और साथ ये जो हमारे पास टी है वो हमारे पास इधर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर ना इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। इधर एस की हमारे पास क्या थी, ये देखे ना 100 थी, 10 एस के हमारे पास 100,000 होगी, और वी आई हमने 0 से स्टार्ट किया था, ये देखें 0, और वी एफ जो है ये वैसे क्या वैसे आ जाएगा, और 2 नीचे फिर वैसे एज इट ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, बस फॉर्मूला को चेंज किया, फॉर्मूले में उसकी ना हमने वैल्यूज पुट की हैं। अब जो टाइम है, टाइम की हम वैल्यू लिखेंगे, टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 है, इस तरह चलते जाएंगे। अब ये 2 है ना हमारे पास, ये इधर डिवाइड हो गया, इधर आके ना इस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100,000 × 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वी एफ रह जाएगा, ठीक है, और साथ हमारे पास क्या रह जाएगा, 100, और जब ये इधर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा क्या बन जाएगा, 2000 बन जाएगा, और यहाँ पे वी एफ ओवर 100 ऐसे ही रहेगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, तो वो एग्जामिनर बार दफ़ा आपको स्टेप्स के भी मार्क्स देता है कि यार इसने स्टेप ज़्यादा किए हैं। अब हमने 1000 यहाँ पर लिखा, ठीक है, अब ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर आकर हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे, सिंपल, और वी एफ यहाँ पर रह जाएगा। तो जब भी इसके साथ डिवाइड हुआ तो ये 20 हो गया, ठीक है, वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसको आप इधर शिफ्ट कर लें, ठीक है, इसके इधर ऐसे भी देंगे तो सही है, लेकिन आप फिर भी इसको इधर शिफ्ट कर लें, और 20 इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, ये जनाब इसका आंसर हो गया आपके पास, ये हमारे पास दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तीसरा मेडिकल दिया ना,
उसमें उसने हमें वैल्यू स्टेटमेंट क्या दी हुई है, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ कार। ये उसने ना बताया हुआ कि हमने तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, ए इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास वी आई, हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर सेकंड। उसके बाद टी हमारे पास टाइम कितना है जनाब, टाइम इज इक्वल टू 0.5 मिनट्स। अब इस मिनट्स को ना हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स के अंदर, तो हम इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 0.5 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकलेगा, इसको आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, 30 सेकंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, अब हम इसके अंदर लिखेंगे, हमने फाइंड इसके अंदर करेंगे एस और वी एफ फाइंड करेंगे, एस फाइंड करेंगे और वी एफ जो है ना फाइनल वन वेलोसिटी वो फाइंड करेंगे। तो हम इसके अंदर पहले फॉर्मूला लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब हम अपनी वैल्यू देखें, वी आई की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 10, सिंपली ऐसे पुट कर दें इसको, और ए हमारे पास क्या था 0.2 और टी हमारे पास कितना है 30 सेकंड्स, हमने कन्वर्ट कर लिया था उसको ना पहले ही। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास ये 10 ऐसे रह जाएगा, फिलहाल इन दोनों को टोटल करके देखो तो आता है हमारे पास 6, तो जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड। और अब हम इसका जो दूसरा पार्ट, अब हमने ना क्या कि हमने जो ये वाला पार्ट था ना इसका वो हमने कवर कर लिया, मतलब ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे ये वाला, ठीक है, इसके लिए हम वही करेंगे जो हमने ना न्यूमेरिकल नंबर 2 में किया था ना, वही हम इसके अंदर दोबारा करेंगे। एस इज इक्वल टू वी ए वी प्लस टी, अब इसको हमने वो कन्वर्ट करना था तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आई प्लस वी एफ, वी एफ यहाँ पे आएगा और वी आई यहाँ पे आएगा, और एंड पे हम क्या कर देंगे इसके 2 लिख देंगे और टी इसी तरह हमारे पास साइड पे आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, वी आई की हमारे पास 16 थी, वी एफ की हमारे पास 16 थी और वी आई की हमारे पास क्या थी 10 थी, ओवर 2 आ जाएगा, इस तरह रह जाएगा और टी हमारे पास क्या 30 सेकंड ऐसे ही रह जाएगा। और अब इसके बाद जो तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 26 और नीचे क्या हमारे पास 2 है, ठीक है, इस तरह। अब जब इन दोनों को हम ना डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 13 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ना 30 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम ना यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, एस इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 390 मीटर। चलिए जो हमारे पास तीसरा था ना न्यूमेरिकल, हमने वो भी सॉल्व कर लिया। इस तरह न्यूमेरिकल नंबर जो 4 है उसमें उसने बताया हुआ है कि अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक टेनिस बॉल है जिसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वेलोसिटी के साथ 30 मीटर पर सेकंड, इट टेक 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वो 3 सेकंड लेती है उसके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। फाइंड करें, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट फाइंड करें उसकी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और कितना वो टाइम लेती है वापस ग्राउंड पे आने के लिए, ठीक है। अब हम इसके अंदर हाइट फाइंड करनी है और टोटल टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम वो वापस लेने आने के लिए लेती है। इसमें हमारे पास जो उसने वी आई दिया हुआ है ना, वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड टाइम हमारे पास उसने दिया था 3 सेकंड, इस तरह ही है 3 सेकंड। आप बुक से भी देखते हैं, ठीक है। और ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी उसको जी से अपना शो करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 और यहाँ पर -10 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको खुद से याद करनी पड़ती है वापस आने के लिए। अब हम इसके अंदर फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, चलें तो अब इसमें हमें लिख लिया कि हमें इसके अंदर फाइंड क्या क्या करना था, ठीक है, हाइट करनी थी, टाइम करना था। तो अब हम इसके अंदर ना एक फार्मूला लगाएंगे जिससे हम ना इसकी हाइट को फाइंड कर देंगे, ठीक है। अब वो फार्मूला हमारे पास क्या है, 2GH, ठीक है, VF स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -VI स्क्वायर आ जाएगा, ठीक होगा।
अब इसके अंदर ना वैल्यू पुट करेंगे, आप लिख दीजिएगा पुटिंग दी वैल्यू, यहाँ पे लिख दीजिएगा ठीक है। टू इज इक्वल टू जी के मेरे पास क्या वैल्यू थी, -10 ठीक है। एच हमने खुद से फाइंड करना है, तो एच हमारे पास ऐसे रहेगा ठीक है। वी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 आ जाएगी, और इसका स्केयर लिख देंगे ऐसे ही। माइनस वी आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 ठीक है, 30 का हम स्केयर ले लेंगे ठीक है। अब जब इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 ठीक है, 10 to the 20 यहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है। और जो एच है ये हमारे पास एज इट इज ऐसे आ जाएगा ठीक है। अब 0 का स्केयर लें तो 0 ही आता है ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। और जब 30 का स्केयर लेंगे ना तो हमारे पास वो आ जाएगा 900 ठीक है, और साथ माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा ठीक है। अब एच हमने फाइंड करना है, एच हम सिंपली यहाँ पर रखेंगे ठीक है, 900 को हम इधर रखेंगे, और ये जो 20 था ना हमारे पास, इसको हम इसके नीचे ला के ना तो हम इसको डिवाइड कर देंगे ठीक है। और ये भी हमारे पास माइनस है, और माइनस 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 से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट गया ठीक है। एच इज इक्वल टू ठीक है ना, जब हम इसको इस पर रख के डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास 45 आएगा, या आप अपना कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा। अब हमने हमारे हमें उसने हमसे कहा था कि आप हमें ना एच फाइंड करके दें ठीक है। अब हमने जो एच था ना वो तो हमने कर लिया फाइंड ठीक है, एक चीज़ हमारी फाइंड होगी। अब हमने ना दूसरी क्या करनी है, अब हमारे पास टाइम रहेगा, टाइम फाइंड करना है हमने। अब ये टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल टाइम फाइंड करना है ठीक है। टोटल टाइम मतलब कितना टाइम वो वापस आने के लिए लगाती है बॉल ठीक है, इज इक्वल टू टाइम जो उसने रीच किया था, रीच एट मैक्सिमम वैल्यू ठीक है, रीच एट मैक्स वैल्यू, मैक्स हाइट ठीक है, प्लस टाइम रीच टू ग्राउंड फ्रॉम हाइट ठीक है। इन दोनों को हमने प्लस कर देना है ठीक है। अब वो मैक्स वैल्यू के लिए जाने के लिए उसने कितना टाइम लिया था, उसने लिया था 3 सेकंड ठीक है। अब वो ग्राउंड पे आने के लिए भी कितना लेगी, 3 सेकंड लेगी, जाहिर सी बात है जिंदगी में ऊपर जा रही हो तो नहीं वापस आएगी वो ठीक है। अब वो भी होगा 3, और जब 3 को 3 प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 6 सेकंड। ये हमारे पास क्या हुआ, इसका टोटल टाइम हो गया ठीक है। तो ये हमारे पास जो तीसरा न्यूमेरिकल था ना वो भी हो गया, मतलब द टेनिस बॉल रीच द मैक्सिमम हाइट एट 45 ठीक है मीटर, और एंड इट विल बी टेक 6 सेकंड्स टू रिटर्न एट ग्राउंड ठीक हो गया। ये हमारे पास जो था ना इसका जो 6 4 वाला न्यूमेरिकल था हमारे पास क्लियर होता है। अब हम करते हैं 5 वाला न्यूमेरिकल। तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है ना उसमें उस वो हमने सॉल्व तो कर लिया है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा दोबारा करवा देती हूँ। उसमें वो कहता है कि अब बॉल मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड ठीक है। इट कम टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डेसिकेशन, फाइंड डेसिकेशन ठीक है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार, बस ये दो चीज़ें फाइंड करनी है इसके अंदर। वी आई हमारे पास क्या है, उसने दिया था 40, वी एफ हमारे पास 0 है, और टाइम हमारे पास कितना है, 10 सेकंड है ठीक। अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस और डेसिकेशन फाइंड करनी है, एक्सलेशन माइंड मतलब। और उसके बाद वी एफ जो हम इसके पहला जो फॉर्मूला लगाएंगे ना वो अगर वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी ठीक है। वी एफ हमारे पास क्या है, 0 है, ये देखें 0 है, और वी आई हमारे पास क्या है, 40 सेकेंड ठीक है। ए हमारे पास वैसे ही आ जाएगा क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है, और टी हमारे पास 10, ये हमने टाइम लिखा हुआ है ये देखें। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये 40 है ना, ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस 40 को हमने इधर ले आना है, ये 40 हम इधर कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 10 और 10 और a रह जाएगा सिंपल। और ये जो 40 है ना इसके ये जो ये इधर 10 है, इस 10 को इससे नीचे इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4a हो जाएगा। अब हमारे पास कांस क्या, a इज इक्वल टू 4a ठीक। अब हमने फाइंड करना है कि डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिफॉर्म इन अ 5 सेकंड ठीक है, 5 सेकंड में डिस्टेंस उसने कैसे ट्रैवल किया था, कितना ट्रैवल किया है, तो उसको हम ना फाइंड करेंगे s से ठीक है, s1 से। s1 इज इक्वल टू vi मल्टीप्लाई बाय t, वी आई की वैल्यू क्या है, 40, और टी की वैल्यू क्या है, 5, और इस जब हम इन दोनों को इधर साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 और 200 मीटर। s1 की वैल्यू 200 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल लास्ट 10 सेकंड ठीक है। 2a² इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई, 2 ऐसे आ जाएगा, a के नीचे 4 आ जाएगा, s2 ऐसे आ जाएगा, वी एफ स्केयर 2 आ जाएगा, और वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 40 सेकंड। और जब हम इसके साथ 4 2 8 8 यहाँ पे आ जाएगा, और जब इसको हम स्केल लेंगे 1600 आ जाएगा, एस इधर ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो 8 है इसको इसके नीचे ला के हम डिवाइड कर देंगे, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करने हैं, s1 और s2 को प्लस करेंगे, 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400 मीटर। ये हमारे पास इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार आ गया।